शेयर है आपके पास? सर मेरे पास सुजलोन री का है जी, 1 रुपए 90 पैसे का, जो ये बंद दिखा रहा है। सर सुजलोन, सुजलोन एनर्जी आपके पास है राइट आशीष? हाँ सर, ये 1 रुपए 90 पैसे था ना, तो थोड़े दिन के लिए 1 रुपए 90 पैसे का भाव सुजलोन का थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि 1 रुपए 90 पैसे का भाव हुआ कब इसका। हालांकि काफी वक्त से एक लंबे दायरे में है, लेकिन 1 रुपए 90 पैसे मुझे तो याद नहीं आता है कुणाल सुजलोन का भाव। आप ये बताइए कि हमने देखा था कि राइट इशू जो आया था काफी ज्यादा डिस्काउंट पे आया था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, नतीजे जो अभी आए वो थोड़े से ठीक ठाक ही आए थे, बावजूद इसके इसका जो दायरा है वो छट नहीं पा रहा है। 12 रुपए तक गया था, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि 8 रुपए के आसपास ही आके ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू होगा आपका? आपने कभी भाव देखे इसके 2 रुपए के आसपास? अभिषेक, मैं एज ऑफ नाउ जब हमारे व्यूअर ने प्राइस बताया तो मैंने इसका पुराना चार्ट देखा। मार्च 2020 में इस काउंटर का बॉटम बना था 101 रुपीज 55 पैसे अप्रोक्सीमेटली। तो देर वॉज अ जोन 1 रुपए 55 पैसे के लेवल पे मार्च 2020 में था। अब इस मार्केट में अगर इन्होंने बाइंग की होगी और एज ऑफ नाउ 8 रुपए का प्राइस देख रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया होल्डिंग कैपेसिटी हो चुकी है इनकी। आई थिंक ये कंसोलिडेशन फॉर्मेशन वाला काउंटर है। इस काउंटर में एज ऑफ नाउ आई वुड आई मीन दैट्स व्हाट इज द लॉजिकल स्टेप टू सजेस्ट कि यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर दीजिए, काउंटर से थोड़ा सा अपना जो कैपिटल एटलीस्ट डिप्लॉय किया हुआ है वो निकाल लीजिए। और ये काउंटर अगर फिर से 12 रुपए के ऊपर जाता है तो एक कर्व फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा, शायद 16 16.5 तक के लेवल्स बता सकता है। बट आई वुड नॉट रियली रेकमेंड दिस काउंटर एज ऑफ नाउ। द ओनली रीजन बीइंग ये ब्रॉडर कंसोलिडेशन कहाँ तक चलेगा उसका जजमेंट लेना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो टेक एन एग्जिट, कैपिटल निकाल लीजिए और अगर प्रॉफिट होल्ड करना है तो कर सकते। ठीक है, तो सुजलोन में शायद आपने 16,000 रुपए के आसपास अभी आप निकाल सकते, यहाँ पे जरूर है। 12 रुपए के अगर ऊपर निकलता है ये काउंटर तो 16 16 16.5 के आसपास जो है वहाँ पे स्तर ये दिखा सकता है।